देख रहे हैं बॉर्डर इंडिया टीवी। ब्राह्मण समाज जो कि एकजुट कभी दिखाई नहीं देता है और इन्हें एकजुट करने के उद्देश्य से सत्येंद्र शर्मा और उनकी पूरी टीम, समस्त ब्राह्मण समाज फाउंडेशन जिन्होंने बनाया है, जो मुंबई, मुंबई के आसपास, मीरा भाईंदर आसपास में जो भी ब्राह्मण रहते हैं, जो यहाँ वहाँ है, उन्हें एकजुट लाने के उद्देश्य से इन्होंने समस्त ब्राह्मण समाज फाउंडेशन का निर्माण किया है। और आज उसी के लिए इन्होंने एक मीटिंग रखी थी जहाँ पे सैकड़ों की तादाद में ब्राह्मण समाज के लोग यहाँ पे आए हुए थे। चलिए बात करते हैं सत्येंद्र शर्मा जी से कि इनका जो उद्देश्य है आखिर में क्या है। सत्येंद्र जी क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से आप कहते हैं कि ब्राह्मण तो है बहुत सारे लेकिन एकजुट नहीं है, उन्हें एक मंच पे लाना है, तो किस तरह से आप इसमें सफल हो पाएंगे और जो आपकी टीम है किस तरह से काम करेंगे? देखिए, ब्राह्मण को सब बोला गया है कि भाई इनको, ब्राह्मणों को एक साथ में लाना एक मेंढक को तोलने जैसा है, ऐसा कहावत है। भाई एक को रखते हैं तो दूसरा उठ के चला जाता है, एक को रखते दूसरा तीसरा चला जाता है। समस्त ब्राह्मण समाज भारतवर्ष के सभी राज्यों के जितने भी ब्राह्मण हैं, चाहे उत्तर भारत के हो, चाहे राजस्थान के हो, चाहे हरियाणा के हो, चाहे पंजाब के हो, सभी को हम लोगों का साथ में जोड़ने का प्रयास है। और आज ये सक्रिय सदस्य बनाने का हमारा कार्यक्रम था, हम समाज को संगठित कर रहे हैं। काफ़ी लोग, 4-5 दिन पहले मीटिंग रखी थी उसमें जुड़े गए, उससे पहले जुड़े गए, कई हजार सदस्य संस्था से जुड़ चुके हैं और आज भी वो ही कार्यक्रम था। जिस तरह से आपने देखा कि सत्येंद्र शर्मा ने हमें बताया कि जो अलग अलग राज्य यानी कि भारत के अलग अलग राज्यों में जो ब्राह्मण समाज मीरा भाईंदर शहर में यहाँ या आसपास के शहरों में रहते हैं, उन्हें किस तरह से एकजुट करना चाहिए, नए सदस्य बनाना चाहिए, इनका ये अभियान है। और मैडम किस तरह से महिलाओं को आप महिला तो ऑलरेडी काफी जुड़ चुकी हैं, आपने भी देखा होगा मैं कई कार्यक्रम करती हूँ और उसमें काफी महिलाएं जुड़ती हैं और मेरे ऑफिस में भी आती हैं। हम उनकी जो तकलीफें होती हैं और उनकी जो राय होती है वो भी हम लेते हैं और उसके अनुसार उनका हम मदद करते हैं, सहायता करते हैं। अभी तक कितनी महिलाएं जुड़ चुकी हैं और किस तरह से आप उनका मदद करती हैं? ये तो गिनती नहीं है, मेघा से 1.5-2 हजार के तो आसपास महिलाएं जुड़ चुकी हैं हमारे पास, सिर्फ महिलाएं महिलाएं। आप उनका सपोर्ट किस तरह से करती है, किस तरह योगदान रहता है उन महिलाओं के लिए आपके पास? देखिए, महिलाओं की बहुत सारी तकलीफें होती हैं, बहुत सारे उनके कार्य होते हैं और वो मदद के लिए ऑफिस में आती हैं, जितनी मेरी यथाशक्ति होती है मैं उनकी हेल्प करती हूँ। आर्थिक होती है, स्कूल के बच्चों का कुछ पढ़ाई लिखाई का होता है और भी बहुत सारी मदद होती है। कभी कभी जो पारिवारिक जो हिंसा हो जाती, कुछ हो जाता है तो पुलिस स्टेशन का कुछ रहता है मैटर, तब हम दोनों पति पत्नी हम वहाँ पे जाते हैं और जितनी भी हमसे योगदान होता है हम उनकी हेल्प करते हैं। और जैसे आप देख रहे हैं कि समस्त ब्राह्मण समाज के जो फंड से इन्होंने बनाया है उसके माध्यम से जो भी महिलाओं को जो भी तकलीफें होती है उन्हें अपने जनसंपर्क कार्यालय पे बुलाकर उन समस्याओं का समाधान कर दी, चाहे जो भी समस्या हो, अगर कुछ फाइनेंस का प्रॉब्लम है ये वो भी करती हैं, कुछ फैमिली विवाद हो ये भी वो निपटाती हैं, यानी कि बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आइए बात करते हैं कुछ और सदस्यों से। सबसे पहले हमको ब्राह्मण समाज की पहचान करा रहे हमारे अध्यक्ष श्रीमान सत्येंद्र शर्मा एवं सुनीला जी एवं उनका परिवार के द्वारा सबको 1,10 साल से काम कर रहे हैं, 10 साल से परशुराम जयंती निस्वार्थ भावना से काम कर रहे हैं। इस काम को आज यहाँ तक बढ़ा दिया कि हमारे पास हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हो गए और आज ब्राह्मण अच्छी तरह काम कर रहा है और इसको हम आगे तक ले जाएंगे, भवन निर्माण भी होने जा रहा है। सत्येंद्र शर्मा जो भी आदेश होगा उसका हम पालन करेंगे। भवन निर्माण कहाँ हो रहा है और कैसे होगा और कब होगा इसके लिए बताना, अभी हमारा कार्य चल रहा है, सक्रिय कार्यकर्ता बना रहे हैं, जैसे हमारा अच्छा कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं हजारों की संख्या में हो गए और भी आगे अच्छा ले जाएंगे और जैसे भी हमारा अध्यक्ष साहब का आदेश होगा उसके अनुसार हम आगे। यहाँ पे बुला के हमने अपने ब्राह्मण संगठन का जो प्रयास किया है उसका प्रयास यही है कि सभी ब्राह्मणों के अंदर वह शक्ति, वह ज्ञान, उनको वह भान हो, उनको जानकारी हो कि हमारे अंदर जो शक्ति है उससे हम समाज का सही दिशा निर्देश कर सकते हैं। सही दिशा और दशा देने के लिए हम सभी को एक जगह ला करके हम अपना प्रयास कर रहे हैं कि हम आज समाज में जो गतिविधि चल रही है, जो उहापोह की स्थिति बनी हुई है, उस पर एक सही निर्णय लें। उस सही निर्णय के लिए हम लोग प्रयास। ब्राह्मण एक ही है, अनेकता का, अनेकता में एकता का प्रतीक है ब्राह्मण। आप लोग का जो उद्देश्य है एक मंच पर लाने का, एक मंच पर आकर के सनातन की रक्षा करना, ब्राह्मण के अंदर जो ब्राह्मणत्व है उसको जागृत करना, व्यवस्थित करना, संरक्षित करना और उसे
सनातन की रक्षा करना, ये हमारा उद्देश्य है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जितने ब्राह्मण हैं हम सब एक परिवार हैं। एक परिवार के का होने के नाते हम ये बताना चाहते हैं कि हम एक एकजुट होकर के रोटी बेटी का भी संबंध करें, क्योंकि ब्राह्मणों में होता क्या है, मुंडे मुंडे मतिर बिन्ना, जितने ब्राह्मण उतनी बातें उतने चाल उतने रास्ते, तो हमें एक होने की आवश्यकता है। हालांकि ब्राह्मण जल्दी एक नहीं होता है, जिस पर बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, लेकिन जो चीज असंभव है उसको संभव करना, ये हमारा प्रयास है। जिस तरह से आपने देखा कि श्रीकांत मिश्र जी ने कहा है कि सभी ब्राह्मणों को एक मंच पे मुझे लाना है, अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अपना सनातन धर्म की रक्षा के लिए उन्हें हम एकजुट करेंगे, तो ये बात